हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अभी आप झांकी देख रहे हैं बाबा केदारनाथ की। इतना खूबसूरत दोस्तों इस बारी इसको बनाया गया है और हरिद्वार में आप देख सकते हैं अपने सामने टीवी स्क्रीन पर। ये बहुत ही खूबसूरत लग रही है, देखने में आप देख सकते हैं बाबा केदारनाथ सच में बहुत खूबसूरत है दोस्तों। अभी जो आप झांकी देख रहे हैं बाबा काशी विश्वनाथ की है, देखने में इतनी भव्य है। ये हरिद्वार में दोस्तों आई हुई है, इतने कांवड़िए इतनी श्रद्धा से इनको बना के ला रहे हैं, सच में बहुत खूबसूरत है ये। अभी आप देख रहे हैं जय सोमनाथ जी, सोमनाथ मंदिर की इतनी जबरदस्त झांकी। इस बारी हरिद्वार में एक से एक बढ़िया झांकी आपको देखने को मिलेगी, जिसका प्रमाण आप अपने टीवी स्क्रीन पे देख रहे हैं। जय सोमनाथ महाराज, बहुत ही खूबसूरत दोस्तों आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे। इससे ज़्यादा खूबसूरत और क्या होगी कोई झांकी। एक से एक बढ़ के, एक से एक भव्य है और इतनी ज़बरदस्त कारीगरी, इतना टाइम निकाल के इनको बनाया गया है। अभी देख सकते हैं दोस्तों आप भोले शंकर के दर्शन कर सकते हैं शिवलिंग के, और साथ ही में नंदी बाबा नंदी विराजमान है और सामने ही भोले शंकर आप देख सकते हैं। अभी कितना भव्य मैं आपको दिखा रहा हूँ, भोले शंकर सामने बैठे हुए विराजमान हैं अंदर झांकी में, और पूरा कितना ज़बरदस्त इनको फूलों से सजाया गया है और कितना अच्छे से डेकोरेट किया गया है। इनको बनाने के लिए कम से कम भी मैं कहूँगा हफ्ता 10 दिन दोस्तों लग जाते हैं, इतना ज़बरदस्त इसको मेंटेन करा जाता है। और इन झांकी जो झांकियाँ होती हैं उनको बहुत अच्छे सजाया जाता है, पूरा टाइम लेके सजाया जाता है, तो इनसे भव्य और क्या होगी दोस्तों। देखो कितने भोले बाबा, कितने एक कितने सुंदर लग रहे हैं बैठे हुए, कितना मनमोहक दृश्य हम देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पे। अभी आप देख रहे हैं भोले शंकर और पार्वती माता को, आप देख रहे हैं कितना भव्य, और डेकोरेशन देखिए दोस्तों कितना ज़बरदस्त एक मंदिर का लुक दिया गया है, और अंदर भोले और माता पार्वती विराजमान हैं और नंदी पे विराजमान है आप देख सकते हैं, और पूरा भारत के झंडों के साथ देखो कितना अच्छे से डेकोरेट कर रखा है ये। हा? सच में बहुत ज़बरदस्त है। इस साल एक से एक बढ़िया झांकी आपको हरिद्वार में देखने को मिलेगी, और मैं कहता हूँ इससे बढ़िया और क्या हो सकता है कि इतने श्रद्धालु जाते हैं हरिद्वार और इस तरह की इतनी मेहनत करके इन झांकियों को बनाते हैं और इतना सुंदर दृश्य प्रस्तुत करते हैं। अभी आप देख सकते हैं श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। अगर आप ऊपर देखेंगे भोले की प्रतिमा है भगवान शिव शंकर की, आप देख सकते हैं बहुत सारे हाथ हैं, हर एक हाथ में आप देख सकते हैं त्रिशूल है। अभी आप भगवान हनुमान जी को देख रहे हैं, ये श्री महाकाल जी, श्री महाकाल आप देख सकते हैं बड़े भोले की प्रतिमा है, देख सकते हैं बिल्कुल रियल लग रही है, कितना मेहनत करके इनको बनाई गई है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। Thank you.